नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। पलवल सदर थाना के गांव फुलवाड़ी में आरएमपी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर को पहले शराब पिलाई गई, इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसके सर में गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में चार नामजद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। ये सर राजू और राजकुमार दोनों लखवी है और ये गांव फुलवाड़ी का है और ये कोई करीब तीन चार बंदे जो है शीशपाल उर्फ सतपाल के मकान में अंदर बैठ के खा पी रहे, वहीं ये हो रहा घटना घटी है कमरे के अंदर। किसने गोली मारी है, कौन है गोली मारने वाला? ये जो पता चला कि ये बता रहा है कि कोई चतरा है, बाप का नाम पता मालूम, गांव खटेला। तो इसको कोई घर से बुलाया था कैसे? घर से बुलाया इसको और बैठ के वहाँ फिर खाती रहे। पुलिस की तरफ से मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस का भलो कर चुके हैं, दर्ज कर दिए मुकदमा, हत्या का मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। कोई आरोपी गिरफ्तारी हुई है अभी तक? नहीं। ठीक। झगड़े कारण पता कुछ बताया कुछ अभी तक? कोई शिकायत में लेन देन का कोई आरोप लगाया? ठीक है, क्या मामला है, किस लिए किसने मारा है? सर ये साजिश के तहत मारा है, चारों के नाम क्लियर है एप्लीकेशन में। तो किस तरह से हुई घटना, क्या मामला हुआ, शुरुआत से बताइए। घर पे बुलाया इन्होंने, अपने घर पे बुला करके दारू पिलाई है, क्या किया है, क्या पिलाया है, किसने पिलाई है? सतपाल है घर पे, सतपाल के पास? हाँ, घर पे सतपाल के घर पे, शीशपाल और सतपाल उसके घर पे गोली लगी है, उसके घर पे जो कुछ हुआ है वहाँ पे हुआ है। तो इनका उसको राजकुमार को मारा, हत्या की है गोली मारकर, उसका कोई क्या रीजन क्या है, कोई उनकी रंजिश थी उससे, कोई लेन देन था, क्या है आपके हिसाब से? पुरानी रंजिश लेन देन ही होगा जी, वही है, काफ़ी दिन से उठते बैठते थे साथ में। रंजिश क्या थी इनकी पुरानी? रंजिश कोई ऐसी कोई रंजिश नहीं है, लेन देन वाली साजिश के तहत कोई लेन देन है आपस में इनका? उसका हमें नॉलेज नहीं है, होता रहता था, वैसे चलता रहता था इनका आपस में लेन देन। तो इसमें कौन कौन है मारने वाले? एक शीशपाल और सतपाल है, एक महेश और एक अजीत और एक चतर है खटेला वाला, तीन फुलवाड़ी से हैं, एक चतर खटेला से। अच्छा, ये यहाँ क्या कर रहा था खटेला का गांव में? ये तो उनका रिश्तेदार है जी, उनको पता होगा, उन्होंने साजिश के तहत बुलाया। सतपाल के घर शराब पी और वहीं डेड बॉडी कहाँ मिली इसकी? सतपाल के घर। आपको पता कैसे चला? नहीं, डेड बॉडी नहीं थी जी उस टाइम। अच्छा, उस टाइम ठीक था, बोल रहा था, हालत तो गोली लगी हुई थी माथे पर, लेकिन उस टाइम हमको इसने बोल के बताया है। तो सूचना मेरे भाई कैसे मिली आपको, कैसे पता चला? सतपाल ने फोन किया मेरे पास कि आपके भाई को गोली लगी है, आप जल्दी से आओ गाड़ी लेके घर पे हमारे पे। हाँ, मैं गाड़ी लेके पहुँचा हूँ, फिर हमने वहाँ से उठा करके गाड़ी में बिठाया है। गाड़ी में जब हमने पूछने की कोशिश की है तो हालत तो गफलत में थी, लेकिन उसने बताया कि इन्होंने चारों ने मेरे को पहले पिटाया, हाथापाई की है और फिर गोली मारी। लापता हो गए फिर जाते। गोली को किसने मारी बताया होगा उन्होंने? नहीं, ऐसा ये नहीं बता पाए जी, वो फिर उसका सांस रुक गया, बेहोश हो गया। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें।